नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है पंजाब एग्रोटेक चैनल में और मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार। और आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए हैं। रेनफोर्स का जो थ्रेसर है P990, जब इसमें कोई फसल चेंज करते हैं जैसे कि गेहूं काटा, इसके बाद सरसों काटनी है या सरसों के बाद गेहूँ, तो ऐसे केस में हमें जब फसल चेंज करते हैं तो उसमें कुछ सेटिंग्स चेंज करनी होती हैं। तो हमको ये सेटिंग कैसे करते हैं इसके बारे में हमारे साथ है मिस्टर हरपाल सिंह, जो कि इस थ्रेसर के टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, और हम इनसे जानकारी लेंगे कि इसमें सेटिंग के दौरान क्या क्या चेंजेस करते हैं। नमस्कार किसान भाइयों, आपके लिए मैं जो जानकारी देने आया हूँ आप ध्यान से सुनो। आपको हवा की जरूरत पड़ती है कम ज़्यादा करने की, ये कम होएगी, ये सबसे कम है। अच्छा। इधर को बढ़ाते जाएंगे तो हवा ज्यादा होती जाएगी। अच्छा, पंखे की ज्यादा मतलब इस वाली जो पुल्ली का ग्रूव है इसमें अगर बेल्ट पड़ी है तो सबसे कम हवा होगी। कम हवा है। अब जैसे हमने इसको बदला इसमें किया हाँ। तो हवा के RPM बढ़ेंगे, हवा बढ़ेगी हाँ। इसके बाद इसमें किया और बढ़ेंगे हाँ। इसमें किया और बढ़ेंगे। अच्छा, इस तरह हम हवा को जरूरत के अनुसार अपने एडजस्ट कर सकते हैं, रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से हवा सेट करते हैं। इनकी हवा बढ़ेगी अगर ज़्यादा हवा कम करने के लिए, इसके लिए जब कहाँ इसको खोलेंगे जितना इसको नीचे करेंगे उतना ज़्यादा पकड़ेगा। अच्छा, पंखा की जो हवा है यानी कि यहाँ ये फिल्टर की ऊंचाई या नीचाई को एडजस्ट कर सकते हैं, जितने नीचे करेंगे उतना ज़्यादा पकड़ेगा। अच्छा, उतनी ज़्यादा हवा पकड़ेगा और वो कचरा सब पकड़ेगा। इधर से आएगा और यहाँ से लकड़ी आएगी, अगर जितनी अपनी जरूरत है इसमें दाना आता जाए हाँ। बाहर निकालने की जरूरत है तो ऐसे चलेगा हाँ। अगर बाहर की नहीं जरूरत हाँ। तो ऐसे कर दो तो ये अंदर ही जाएगा। अच्छा, तो रिसाइकलिंग के लिए दोबारा इसमें चले जाएगा ना उधर बास्केट में। बिल्कुल, अगर बिल्कुल लकड़ी साफ आ रही तो लकड़ी को बाहर फेंक दो हाँ। और अगर उसमें कहीं कुछ परसेंट दाना है तो उसको ऐसा कर दो, वो यहाँ गिरेगा और वो रीथ्रेसिंग के लिए बास्केट में चला जाएगा। अच्छा, इसका यही यूज है ना। अगर जाली चेंज करने के लिए जाली चेंज करना है तो ये बोल्ट छोटा है दिया हुआ, इधर भी दिया है, इसको खोलो। अच्छा अच्छा, इधर करो और इसको इधर करो हाँ, ये इधर हो जाएगा। ठीक अच्छा, है अच्छा, ये जाली बिल्कुल आसान निकल जाएगी। अच्छा, आसानी से यहाँ से जाली अपनी चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, जरूरत के अनुसार डाल सकते हो ना, जैसे भी आपको जरूरत है, जो भी जरूरत है वो आप डालो, इसको अच्छा और इसको देखो। ठीक है, अच्छा, और इतना ही काम है, इसी में अपना फसल निकल जाती है हाँ, अलग अलग फसल के लिए अच्छा, ये चेंज करने के लिए। अभी ये जाली पड़ी हुई इकाई के लिए है, ये गेहूं के लिए, ये गेहूं के लिए है। ठीक है, अच्छा, अलग अलग है, ये छोटा है ऊपर बड़ा है। अच्छा अच्छा, ये ऊपर है ना हाँ हाँ, ये इससे ऊपर हाँ, और भी है, ये दो चेंज करना पड़ता है। ये वाली ऊपर वाली हाँ, नीचे वाली हमेशा फिक्स रहती है, ये तो फिक्स ही रहेगी हाँ। अगर अपने को जैसे धनिया है या चना है या सोयाबीन है उसका कचरा मोटा होता है ना हाँ। उसके लिए ये मोटा भी डाल सकते हैं अच्छा, अगर जरूरत पड़ती है तो अच्छा, नहीं तो ऐसे चलेगा। ठीक है, ये है इसका कटर, ये कटर हाँ ऊपर से उठेगा हाँ, ऊपर से उसको हुक से खोल कर हाँ 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 देखो ऊपर से उसको खोलते हैं ड्रम को फिर हाँ, डेट उठाओ हाँ, ये बोल्ट खोलो हाँ, दो इधर है दो उधर है अच्छा, खोलो और बाहर निकल जाएगा। ठीक है अच्छा, आपको चेंज करना है हाँ, तो जल्दी चेंज हो जाएगी। ये इसका हवा कम ज्यादा करना चाहिए, इसको खोल के हाँ हाँ, इसको खोल के जाली चेंज हो जाएगी ना हाँ, फिर लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, लेकिन इसमें नहीं लगा ना हाँ, फिर बोल्ट लगे जाएगी। तो इसका क्या यूज है, ये जो है जाली फिक्स करने के लिए, हो जाएगा तो ऐसे अब है तो खुला हुआ है। अच्छा अच्छा, और जब इसको दबाएंगे तो वो साथ में चिपटी आएगी जारी के, इतना जारी पैक हो जाएगी। ठीक है, और उसका छोटा हो गया, ये हो गया, ये बोल्ट है ना हाँ, इधर आओ, ये लंबा बोल्ट पीछे दिया हुआ है हाँ, इसको टाइट करेंगे हाँ, तो जारी फिर इधर से भी पैक हो जाती है। अच्छा, इधर से भी पैक हो जाती है, छोटा रह जाता है, इसलिए जो
कचरा था छोटा करने के लिए, तूरी छोटा करने के लिए सब जो ज़्यादा बसाई हुई थी ज़्यादा बारीक कर देगा। फीडिंग सिस्टम है ना? हाँ हाँ, टोकरी है जहाँ डालो ऑटोमेटिक जाएगा। अच्छा, इसमें कोई सेटिंग वेटिंग नहीं करनी पड़ती टोकरी में, कोई ये सारा सेटिंग आगे चलता है। अच्छा, ये जो है आपको रोकना है और ये बंद हो जाएगा, फीडिंग सिस्टम वही जाएगा और इसको दबाएंगे तो ये चलेगा। पावर ये जो है इसमें कहीं पत्थर आ गया इसमें या कोई कोई सख्त हार आ गई तो इसको उठाओ तो बाहर निकल जाएगा। अच्छा, इस तरह मतलब अगर कुछ आ जाता है तो उसको निकालने के लिए। हाँ जल्दी। और ये है इसका चलने का सेटिंग। अच्छा, जो चलने की सेटिंग है, चलने की स्पीड वगैरह मेंटेन करते हैं इससे? हाँ हाँ, इसके छोड़ ये जो है ना चाल है आगे पीछे करने की। हाँ, जितना इसको बाहर को निकालेंगे उतने ही ज्यादा चाल होगी। अच्छा अच्छा, और सीधा करेंगे तो कम हो जाएगी। इसको ये खोलना है। हाँ, इसके अंदर बोल्ट है बड़ा। हाँ, हाँ, उसको ढीला करके और जहाँ आपको जरूरत है वहाँ फिक्स कर सकते हैं। अच्छा अच्छा, दूसरी चाल ये है जो पट्टी है वो लगा, बेल्ट लगी हुई है। बेल्ट, वो वाली बेल्ट। हाँ, अब तो कम चाल है। हाँ, और जो इधर लगाएंगे ना। हाँ, इधर वाले में, इधर वाले ग्रुप में तो चाल बढ़ जाएगी। अच्छा, ठीक है, तो इससे चालना जो चालना सीव है उसकी स्पीड बढ़ेगी ना। हाँ, चलने। और ये जो बेल्ट है, हाँ ये तीन बेल्ट है। हाँ, अब ये नीचे मोटे में लगा हुआ है। हाँ हाँ, ये जो छोटा है, हाँ इसमें चलता है चना, हाँ सोयाबीन, हाँ और धनिया, इसमें चलता है, और इसमें सब चलता है। कोई बात नहीं, आपको चलने का तो बता ही दिया चलता है कि इसका है। और कचरा इधर नहीं डालना तो इसको उठा दो, उधर उठ जाएगी। ऐसे कचरा उधर नीचे। ये किसके लिए है? ये कचरा है ना। हाँ, कचरा इधर नहीं डालना तो नीचे गिरेगा। अच्छा अच्छा, जिसमें छोटा आता है। अच्छा, बहुत बारीक सा कचरा। बारीक कचरा आता है। ये इसका हवा का है सफाई करने के लिए। ये जो बोल्ट है ये इधर को करेंगे तो कम हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, इधर को करते जाएंगे तो हवा बढ़ती जाएगी उधर को। अच्छा, इसको अगर ऐसे किया तो हवा कम होगी, इसको इधर किया तो हवा बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी मतलब इसकी जो फिल्टर की दवा लगाने की जो प्रेशर है, जो कचरा है वो उधर बाहर आउटसाइड में फेंक देंगे। हाँ हाँ, और इधर क्लीन माल आएगा। अच्छा, एकदम साफ सुथरा क्लीन माल। हाँ, इसको अब ट्रॉली में डालना है तो ये उठेगा, बच्चे बोरा बनना है तो ये लग गया यहाँ पे। ठीक है, ये फोल्डिंग एलिवेटर है ना। हाँ हाँ, यहाँ से अगर खोला तो सीधा फिर उसको हम ट्रॉली में डाल सकते हैं। इधर से बंद हो गया, इसको ऐसे ट्रॉली में डालेगा। ये ट्रॉली में डालेगा, ठीक है, इसको हम ऐसे बंद कर देते हैं तो इससे यहाँ लगा के उसमें कट्टा या बैग वगैरह भर सकते हैं। यहाँ से खोल के सीधा फ्लोर पे भी निकाल सकते हैं। हाँ हाँ, वो भी निकले है ना। इस तरह हम अपनी फसल जब चेंज करते हैं तो उसमें दाने के साइज के अकॉर्डिंग अपने जो थ्रेसर में कुछ सेटिंग कर सकते हैं, जैसे कि जाली चेंज करना, आरपीएम मेंटेन करना, हवा का प्रेशर जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा करना, और जो चालना है या सीप उसकी स्पीड को जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा करना, और गेहूँ निकाल के हमने चना निकालना है। हाँ हाँ हाँ, तो फिर क्या करना, चेंज करना, क्या क्या करना पड़ता है ना। हाँ, ये बोल्ट आपको बताया है दो इधर है, इधर है दो, इधर है दो, उस तरफ है, बोलेंगे उसको जाली को बाहर निकालो। जहाँ निकाली ऊपर रखा और इधर आ जाएगा बाहर का, उसमें दूसरा ऊपर रखो उसके सीधा करके और इधर को करके छोड़ दो, उसको हाथ नहीं पकड़ना नहीं है, उसको पकड़ के सीधा करके और जरा सा टेढ़ा हुआ है ना जो घूम रहा है तो छोड़ दो, अपने आप चला जाएगा। तो जाली चेंज करते हैं ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, और कुछ थोड़ी नीचे चेंज होता है, नहीं ये भी होता है ना। अच्छा, ये यहाँ की भी जाली चेंज होती है ड्रम की। हाँ, ये वाली जाली भी चेंज होती है। अच्छा, ये बड़ी वाली लगती है। हाँ हाँ, बड़ी लगती है, इससे बड़ी ना। चना में आरपीएम वगैरह, आरपीएम तो कोई ज्यादा जरूरत नहीं, जैसे आपको मैंने बताया आरपीएम का, तो इसमें देखो चना डालना है तो इधर लगेगा भाई, चने में ये वाली लगेगी। हाँ, सोयाबीन में भी इधर लगेगा, तो इससे साइज आरपीएम घटेंगे, कम होएगा, कम होएगा, कम होएगा ना। धनिया का भी इधर लगेगा, तीन चीजें। इस वाली पुल्ली में मतलब आप चना निकाल सकते हो, सोयाबीन निकाल सकते हो और धनिया निकाल सकते हो, है ना।
तीन इसमें आरपीएम कम की जरूरत है। ये ड्रम के आरपीएम है ना? हां ड्रम का होएगा खाली आरपीएम। जैसे दाने का साइज बढ़ रहा है आरपीएम घट रहा है ना? जो देख रहे हैं आउटलेट वाले पंखे एडजस्ट वाले, इनकी जो ब्लेड है ये एडजस्टेबल ब्लेड हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसमें बोल्ट दिए गए, आप इसकी पंखे की जो चौड़ाई है वो जरूरत के अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। और इससे बेनिफिट ये होता है कि आप हवा का प्रेशर जरूरत के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारा ये जो थ्रेसर है वो काफ़ी एडवांस थ्रेसर है, और इसमें आपने सेटिंग के पैरामीटर से देखे कि जब हम एक फसल से कोई दूसरी फसल निकालते हैं, जैसे गेहूं के बाद हमको चना निकालना है, तो हमें कुछ बेसिक सेटिंग्स करनी होती है, जैसे कि आरपीएम, ड्रम के आरपीएम एडजस्ट करना, और ड्रम की जाली और नीचे सीव चारने की स्पीड कम ज़्यादा करना है, सीव बदलना। इस तरह के सेटिंग के पैरामीटर्स हमारे अमित सहपाल सिंह ने हमको बताए, और इन्होंने अपना कीमती समय दिया। यदि कोई भी किसान भाई इस रेनफोर्स का P990 थ्रेसर खरीदना चाहता है या इससे संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहता है या इनकी डीलरशिप लेना चाहता है, तो वो स्क्रीन पर दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकता है। और किसान भाइयों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।